CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता मैं सबसे छोटी हूं। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कुछ प्रमुख कवियों की रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता मैं सबसे छोटी हूं। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। मित्रों, कविता के माध्यम से कवि अपने बचपन की माँ से अलग न होने की कल्पना को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। माँ शब्द और उससे जुड़ी हुई बचपन की हर याद जीवन को हमेशा ठंडक देती है, चाहे वो माँ का प्यार हो और चाहे माँ की फटकार ही क्यों ना हो। कविता में कवि वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक छोटी बच्ची के रूप में कामना करता है कि वो अपनी माँ के आंचल से कभी अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि माँ का आंचल ही बालक के लिए सबसे आनंददायक और सुरक्षित जगह है। बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित कवि पंत ने अपनी कल्पना का सजीव चित्रण किया है। माँ की महिमा के बखान पर अनेक सुंदर कविता रचने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने माँ के प्यार को इस प्रकार बताया है अपनी कविता बचपन में। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी, माँ ओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मित्रों, माँ के लाड़ प्यार से हम सभी परिचित हैं, तो क्यों न हम भी माँ के लाड़ प्यार के बारे में कुछ पंक्तियाँ अपने से लिखें और देखें कि वे पंक्तियाँ कविता बनी हैं या कुछ और। तो लिखिए ना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना और अनुभव किया है। मैं सबसे छोटी हूं। अभी आप सुन रहे थे ये कविता। विषय संयोजन तथा वाचन आलेख रविंद्र कुमार, विशेष परामर्श डॉक्टर ज्योत्सना तिवारी, वाचन तथा कविता पाठ राजश्री त्रिवेदी, ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो, सरोज महापात्रा और शानू मुक्सीम, निर्माण सहायक विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT।